युवक की मौत के बाद शव बंधक बनाने का आरोप, परिजनों का अस्पताल के बाहर हंगामा। शिवपुरी मध्य प्रदेश की में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हार्ट अटैक से युवक की मौत के बाद परिजनों को उसका शव देने से इनकार कर दिया। 10,000 रुपए के बिल के लिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने करीब 2 घंटे तक शव को रोक कर रखा, जहां मृतक के पिता और अन्य परिजन बिलखते रहे, लेकिन हॉस्पिटल मैनेजमेंट बिना बिल चुकाए शव देने को तैयार नहीं था। बाद में मृतक के परिजनों के हंगामे के बाद हॉस्पिटल प्रबंधन के ने युवक के शव को परिजनों को सौंपा। आपको बता दें कि पूरा मामला शिवपुरी जिले के एमएम हॉस्पिटल का है, जहां शहर के पीएचक्यू कॉलोनी निवासी केदार आदिवासी उम्र 32 साल को सीने में तेज दर्द की शिकायत के बाद रविवार को सुबह 7 बजे एमएम हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद इलाज में लापरवाही, शव देने के बदले रुपए मांगने का आरोप। एमएम हॉस्पिटल में भर्ती युवक की हार्ट अटैक से मौत हो जाने के बाद परिजनों ने हॉस्पिटल के बाहर बखेड़ा खड़ा कर दिया। परिजनों ने युवक के इलाज में हॉस्पिटल मैनेजमेंट पर लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। हंगामा कर रहे परिजनों का आरोप है कि युवक की मौत के बाद शव को हॉस्पिटल प्रबंधन ने 10,000 रुपये मांगे, तब शव देने की बात कही। वहीं इस मामले में एमएम हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर आरपी सिंह का कहना है कि युवक को सीरियस कंडीशन में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। हॉस्पिटल का बकाया पैसा जमा करने की मांग पर परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। कब भर्ती किया था आपने? अभी 7 बजे। तो आपको क्या लगता है इस मामले में क्या कुछ? मुझे ऐसा लगता है पेट में, जब बताओ पहले मुझे एक कोने इंजेक्शन लगा है। पेट में इंजेक्शन आपके सामने लगाया गया था? मेरे सामने लगाया है। जब हालत खराब थी तो उन्होंने जिला चिकित्सालय रेफर नहीं किया गया? नहीं करा भाई, तो मैं पूछ रही हूं इनसे, तो मैं बसा की नाना मुझसे कह दो मैं ग्वालियर ले जाऊं। तो मेरे भैया मुझसे दे बोला कि ऑक्सीजन लगाइए, तो मुझे और परेशानी आ रही है। अच्छा, मैं ना कही भैया मैं तुम्हें जान निकाल दे। उनका कहना है कि पेट में इंजेक्शन लगाया गया है। अच्छा, तो परिजनों का ये भी आरोप है, जब मरीज की हालत नाजुक थी तो आपको जिला चिकित्सालय रेफर करना चाहिए, परंतु आप उनको आश्वासन देते रहे कि मरीज ठीक है ठीक है। तो आपने उसको जिला चिकित्सालय में क्यों नहीं रेफर किया गया? कोई जरूरत नहीं, वहाँ तो रस्ते में बिना ऑक्सीजन मिला था, रस्ते में उसकी ऑक्सीजन 65 थी, बिना ऑक्सीजन की यहाँ से उसको रेफर कर देते हम, वो रस्ते में मर गया था। और परिजनों का आरोप है कि उनसे ज़्यादा पैसे वसूले गए हैं, जबकि परिजन गलत है। आपको केसीटी कॉपी दिला दीजिए।